लालगुआ विधानसभा में मुकाबला काफी रोचक दिखाई दे रहा है। जहां एक ओर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा से प्रत्याशी मोहन बिष्ट भी अपना पूरा दमखम यहां पर दिखा रहे हैं। इसी सिलसिले में जब क्षेत्र में लोगों से बातचीत हुई तो सभी का मुद्दा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को लेकर था। साथ ही साथ लालकुआ विधानसभा में जो विकास के कार्य होने थे वो भी रुके हुए प्रतीत हो रहे हैं। माननीय रावत जी के आने से यहाँ पर मुकाबला काफी रोचक हो गया है। लालकुआ विधानसभा में जैसे कई समस्याएं हमारी, जैसे ISBT है और लालकुआ में हमारा मालिकाना हक है, बिंदुखत्ता का राजस्व ग्राम का मुद्दा है, ये सब मुद्दे बड़े स्तर के मुद्दे हैं। इस बार यहाँ पर लोग थोड़ा सा चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो। हालांकि यहाँ पर जो विपक्ष के प्रत्याशी वो भी काफ़ी दमदार प्रत्याशी हैं, लेकिन रावत जी के आने से मुकाबला का रुख थोड़ा सा बदला हुआ लग रहा है। लालकुआ में माननीय हरीश रावत जी आए हैं, तो जैसे हम बात कर रहे हैं इस समय, हम किसी पार्टी या किसी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं लालकुआ विधानसभा या अपने क्षेत्र के समग्र विकास की बात कर रहे हैं। तो हमारे क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों से कोई विकास नहीं हुआ है। जैसे कि हम देख रहे हैं हमारी विधानसभा में ISBT हल्द्वानी गोला पार और हमारे क्षेत्र हल्दुचौड़ में ही एक हॉस्पिटल था जो कांग्रेस सरकार ने बनाया हुआ था, और उसका तब से जस की तस स्थिति में वह बना हुआ है। जैसे कि हमारे भाजपा के हमारे क्षेत्रीय विधायक थे उन माननीय नवीन दुमका जी, उन्होंने हमारे स्वयं के अपने गांव में ही कोई विकास नहीं किया है। जैसे हमारे गांव की सड़कें जैसी तैसी अवस्था में हैं, और हमारे गांव के किसानों के लिए उनके खेतों तक पहुंचने वाली गूलों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सारी गूल जब से वह गूलें बनी हुई हैं, वह नहरें बनी हुई हैं, तब से वह जैसी की तैसी अवस्था में, कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ है उनका। तो मेरा समग्र जनता से, पूरे विधानसभा की, इस लालकुआ विधानसभा की सारी जनता से यही अनुरोध है कि वह कांग्रेस को विजयी बनाए और अपने 56 लालकुआ विधानसभा का समग्र विकास करने में कोई त्रुटि न छोड़े। हम तो सोचते हैं कि लालकुआ विधानसभा में विकास पूर्वक जो सोच रखे उस विधायक, वो विधायक चुन के आना चाहिए। देखो, रावत जी ने भी पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए काफी कार्य करे, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक के जो भाजपा ने उम्मीदवार उतारे हैं वो भी काफी दमदार हैं, युवाओं पर उनका ज्यादा जोर है, लेकिन हम विकास की तरफ है, जो ज्यादा विकास कर सके और लालकुआ विधानसभा को अग्रणी आगे ले जा सके ऐसे विधायक चुन के आना चाहिए। लालकुआ में इस समय हरीश रावत जो हैं वो एक माने जाने नेता हैं और वर्ल्ड लेवल के नेता हैं, और जो है उनकी जो है यहाँ पर इस समय सरकार जो है कांग्रेस की बनने जा रही है। हरीश रावत जो है यहाँ पर बहुत भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।